Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics, CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NEET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. Okay, so बच्चा पार्टी we were doing electric charges and fields, ठीक है. थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे electric charges और fields को लेकर, ठीक है. So बच्चा पार्टी हमने देखा कि चार्ज और मास क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पीपल? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाता है भाई साहब, आपका जो अंदरूनी प्रॉपर्टी है, ठीक है. सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर में चार्ज रहेगा ही रहेगा. अगर वो मैटर है तो उसमें चार्ज रहना बनता है, ठीक है. अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी नियर इट. आपने देखा भाई साहब, एक चार्ज बॉडी जो है प्लस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्लस माइनस पे भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कीजिए. तो ये चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑब्वियसली, अट्रैक्शन और रिपल्शन के. बिटवीन लाइक चार्जेस इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, बिटवीन अनलाइक चार्जेस इट्स गोइंग टू बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. एसआई यूनिट चार्ज का क्या है भाई साहब? कूलम, ठीक है, व्हिच वी राइट इट एज कैपिटल सी, ठीक है. स्टैंडर्ड सिंबल इसका सी है. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम माइनस में, एंड चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन विल बी प्लस 1.6 into 10⁻⁹ कूलम. क्लियर है पीपल हम, ठीक है. दीज आर बेसिक थिंग्स दैट वी मस्ट बी ऑल अवेयर ऑफ. तो आपका यह जो कूलम चार्ज है दैट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू प्लस एंड माइनस, ठीक है. ओके, नाउ ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर. ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, व्हाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस भाई साहब क्या होंगे? रिपेल होंगे, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. ओके, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी पीपल हम? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बच्चा पार्टी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम है भाई साहब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ओनली when two surfaces are rubbed with each other, ठीक है. और इस रबिंग के दौरान एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, और ये दोनों क्या होने चाहिए? ज्यादा करके इंसुलेटर्स होने चाहिए, ठीक है. ओके, सो व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ क्लॉथ, अगर हम किसी ग्लास रॉड को किसी क्लॉथ से रब कर रहे हैं, द ग्लास रॉड गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज. तो लेट्स से ये आपका एक ग्लास रॉड है और इसको एक किसी क्लॉथ से आप रब कर रहे हो. सो नाउ दिस ग्लास रॉड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द क्लॉथ will acquire a positive charge, which means what? It is continuously losing charge. It is losing electrons. So glass rod क्या कर रहा है भाई साहब? Glass rod is losing electrons. ठीक है? Glass rod is losing electrons and acquiring a positive charge. तो ये electrons किस में जाएंगे? Obviously इस cloth में जाएंगे. ठीक है? Okay. However, if we rub a plastic rod with the cloth, the plastic rod, अभी देखो इसी cloth को अगर हम plastic rod से रब कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो क्लॉथ है इसमें बस, तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है. द प्लास्टिक रॉड अक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज. मतलब अभी क्या हुआ है? इस क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, समझ में आ रहा है ये। सो यहाँ पे ये एक प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, प्लास्टिक रॉड है। देखो मुद्दा यही है कि आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तभी डेवलप होगा जब आप सरफेसेस को अपने अपने में रब करेंगे, और इस फ्रिक्शन के चलते ये होगा, ठीक है, फ्रिक्शन के चलते ये होगा। सो द प्लास्टिक रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेट मी पुल अप समथिंग हियर। तो यहां पे देखो कैसे कैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब आपने फ्लैनल और कैट स्किन जो होता है, ठीक है, उसको एबेनॉइड रॉड से रब किया तो एबेनॉइड रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज and this acquires a positive charge. Are we clear on this one people? ठीक है, तो ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ का नेगेटिव चार्ज हो गया। फ्लैनल और क्रैक स्किन है, इसको जब आप एबेनॉइड रॉड से घिस रहे हो तो ये आपका क्या एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। वुलन क्लॉथ है, अगर आप एम्बर रॉड से कर रहे हो तो वुलन क्लॉथ का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और एम्बर रॉड का हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। वुलन कोट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लास्टिक सीट से अगर आप इसको कर रहे हो तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। वुलन कारपेट है और रबर शूज है, ठीक है। आपने अक्सर देखा रहेगा, अगर आपके घर में कारपेट वगैरह रहेगा या शादियों के टाइम पे भी जो कारपेट वगैरह रहता है, अगर रबर शूज पहन के कोई जाता है वहां पे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वहां पे, ठीक है। तो दिस विल बी वुलन कारपेट विल बी एक्चुअली डेवलपिंग अ चार्ज विथ रबर शूज, ठीक है, ओके। ओके सो एटम्स, ये देखो होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस हो कहां से रहे हैं? तो एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सारा मैटर जो है एटम से बना हुआ है, ठीक है। एटम्स के अंदर आपके प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वी नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आर दीज द ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स और देयर आर मोर? यस देयर आर मोर, ठीक है, बट आपके लाइफ में आप 12th तक इन्हीं तीनों से डील करेंगे, ठीक है। सो यू नॉट डीलिंग विद एनीथिंग एल्स। Electrons, protons and neutrons. The protons and neutrons are present in the nucleus of the atom, while the electrons revolve around the nucleus in a definite path. Electrons revolve कर रहे हैं. The electrons and protons are negatively charged and positively charged. However, the neutrons have no charge, hence they are neutral. ठीक है? तो electrons क्या होते हैं भाई साहब? Electrons have the smallest unit of negative charge in them. They are represented by E minus. Protons have the smallest unit of positive charge in them. They are represented by P plus. ठीक है? Simple सा है भाई साहब ये, ठीक है? Not something much complicated. ओके अभी हम बात करेंगे यहाँ पे भाई साहब प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। चार्जेस की भाई साहब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज? तो पहला है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है भाई साहब? चार्ज कभी ऐसा नहीं हो सकता, चार्ज विल बी 1e 2e 3e 4e, ठीक है, ऐसा होगा। इट कैन नॉट बी लाइक 1.5e और 2.3e और भाई साहब 2/3, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। क्वांटाइजेशन मतलब ये जो है आपका, दिस विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हमको मालूम है 1.6 × 10⁻¹⁹ है। इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। द चार्ज इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। इसी को अपन एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका, ठीक है। तो जैसे प्रोटॉन्स है, देखो 1e 2e 3 ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 1p 2p, यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली। जब हम 1e- लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे -1 × -1.6 × 10⁻¹⁹ हो रहा है। तो आपका भाई साहब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 1 प्रोटॉन प्लस लिख देते हो यहाँ पे भाई साहब, आपके प्रोटॉन्स के चार्ज हो गए। तो Q की वैल्यू क्या होती है? Q विल ऑलवेज बी ± Ne। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन N होगा। N हैज बीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 1 2 3 ओनली, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक किसका? चार्जेस का, ठीक है, ओके। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जितने भी होंगे आपके एडिटिव होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको 3 प्रोटॉन है और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल है भाई साहब, ठीक है। -5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 प्रोटॉन्स, तो ये हो जाएगा आपका -2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट विल बी द नेट चार्ज ऑफ दिस बॉडी। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये। तो इसको अपन बोलते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एक हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा हो गया चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब कितना हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए देयर आर 3 प्रोटॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा 3 - 1, तो +2 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सो दैट विल बी 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट चार्ज आपका कितना होगा, नेट चार्ज क्यू नेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपका प्रोटॉन्स ज्यादा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, इन जनरल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, जितना एक एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से एटम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो इन जनरल वी कैन से दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड if an atom has an unequal number of protons and electrons then the atom is known as electrically charged. तो ये atom क्या हो जाएगा भाई साहब electrically charged हो जाएगा। Objects with an excess of electrons are known as negatively charged electrons, negatively charged objects। जहाँ पे भाई साहब excess of electrons है 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे न्यूट्रल होगा भाई साहब ये। Negative charge यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पे 3 ही है, तो ये negatively charged हो गया। Objects with an deficit of electrons will be basically positively charged। Simple भाई साहब, ठीक है, okay। लेट्स डू अ सवाल हेयर। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, अ बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो आपका भाई साहब 8 मिली कूलम है एक्चुअली, सॉरी मिली कूलम मतलब हो गया आपका, मिली मतलब होता है 10⁻³ कूलम। तो ये इस बॉडी का चार्ज है। ठीक है, आफ्टर इट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। एक थंडरस्टॉर्म हो रहा था और लाइटनिंग गिरा उस बॉडी पे, और उस बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर किया 8 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, What is the difference between the number of protons and electrons on the body? तो भाई साहब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब चार्ज ऑन द बॉडी कितना हो गया, नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ कूलम। अभी आपने देखा नेट चार्ज होता क्या है, क्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है, देखो क्यू नेट की वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू नेट चार्ज दैट इज 8 × 10⁻³ कूलम्स। लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। ठीक है, क्यू नेट मतलब आपका जो क्यू नेट होगा चार्ज, वो हमेशा क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 × 10⁻⁹। अगर भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा, अगर आपके प्रोटॉन ज्यादा हुए तो ऑब्वियसली क्या बात है क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। सो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा 8 × 10⁻³ अपॉन, ये भी कूलम है ये भी कूलम है तो कैंसिल हो गया भाई साहब, 1.6 × 10⁻⁹। सो दैट विल बी 16, इधर गया अगर एक तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका -20, तो 16 0.5, तो ये हो गया आपका कितना 0.5 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये हो गया आपका भाई साहब -3 - 19 हो जाएगा ना, हाँ अगर हमने यहाँ पे इसको इधर लिया -20 तो होगा यार ये, खैर तो यहाँ पे हो गया आपका कितना -3 - 20। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 0.5 × 10⁻⁹ आना चाहिए यार, ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे -3 है ना ऊपर जाएगा, ओ ओ ओ ओ प्लस हो जाएगा ये, सॉरी, तो ये प्लस हो गया 20 - 3 हो गया आपका 17, तो ये आया कितना 0.5 × 10⁻⁷, विच कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻¹६, 5 × 10⁻¹६ लिख सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो 5 × 10⁻¹६। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एक्सेस टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूछा हुआ है, ओके ओके ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपका चार्ज का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। पहला हो गया आपका क्वांटाइजेशन, दूसरा हो गया आपका एडिटिविटी, और तीसरा हो गया आपका भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है भाई साहब, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। दो बॉडीज थी समझ लो, ठीक है, आपने इनको टच करवाया, लेट्स से यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भाई साहब 4 था, तो इनको टच करा दिया, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट से यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा भाई साहब, 6 हो जाएगा, ऐसा हो गया। सो मतलब टोटल चार्ज बिफोर दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज लेट से 9 माइक्रोकूलम्स। टोटल चार्ज आफ्टर दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज ऑल्सो गोइंग टू बी 9 कूलम्स, इट्स नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, just as mass is, mass can neither be created nor destroyed but can only be transferred from one body to another, it can just be transferred from one body to another। Consider two bodies with some charges that are isolated and separated from each other। तो आप समझ लो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -5 + 2 दैट इज -3 हो जाएगा भाई साहब, ये -3 है ना। यहाँ पे कितना है बोलो, 3 प्रोटॉन -5 + 3, हाँ -2, ठीक है -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 प्रोटॉन्स और ये हो गया, तो ये हो गया 2 + 2। इन दोनों को, ये आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड है। द मोमेंट यू ब्रिंग बोथ ऑफ देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, इट विल बी 0, ठीक है। देखो, बिफोर दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और रादर व्हेन दे एग्जिस्टेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज वाज हाउ मच, +2 + -2 that will be 0। After they came into contact with each other, what will happen, the charge distribution will happen in such a way that the total charge will be 0, okay। So the charge on the second body, hence initially the net charge of the system is how much, 0। When the objects are made to interact, that is touch with each other, then the electrons from the first body will move on to the second body। देखो second body में electrons का deficit है, जैसे ही आप इन दोनों को contact में लाएंगे यहाँ पे excess of electrons यहाँ पे move करेंगे, ठीक है। The excess of electrons will actually move here, ठीक है, and then it will be nullified। तो आपने जैसे इन दोनों को टच कराया, ये इंटरैक्टिव सिस्टम है भाई साहब, आपका इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब both the bodies will have equal amount of charges, मतलब पहले जो था वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके, सो द नेट चार्ज विल बी हाउ मच, यहाँ पे कितना चार्ज हो गया आपका, 3 प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन 0, 3 प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन 0, सो दिस विल बी बेसिकली दिस, ठीक है। तो आपके चार्जेस के प्रॉपर्टी में वंस अगेन, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव, क्वांटाइजेशन, दूसरा प्रॉपर्टी एडिटिविटी, और तीसरा प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा वो क्या है, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज, देखो मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो सम सिमिलैरिटीज बिटवीन चार्जेस एंड मास। देखो भाई साहब, हमने पहले ही कल पढ़ा था कि दोनों भी क्या हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, हाउएवर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज, ठीक है। मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज कभी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, देखो देखो आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्या इस इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, भले ही बहुत कम हो लेकिन होगा तो जरूर, ठीक है। सो इसका जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻¹³ kg, तो भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन का तो मास हुआ, ठीक है। चार्ज का मास होना ही होना है। सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, हाउएवर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई मास है, कोई बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मास है, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखोगे मैटर जो है वो चार्ज और मास से बना हुआ है, ठीक है। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल हैव चार्ज एज वेल एज मास, ठीक है। बोथ ऑफ देम एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडीज एंड चार्जेस, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ये आपकी मास और चार्ज में सिमिलैरिटी हो गई, दोनों भी स्केलर क्वांटिटीज हैं। मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बोथ ऑफ देम एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडीज, तो मास के बीच में जो फोर्स होता है उससे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उससे भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखोगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है, G m1 m2/r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखोगे तो भाई कूलम्स लॉ, इट इज 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r², वेयर q1 and q2 आर द चार्जेस, हियर m1 and m2 आर द मासेस, ठीक है। सो चार्ज और मास में भाई साहब अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन चार्ज एंड मास, दो बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। व्हाट एल्स, तो आपका भाई साहब देखो बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अंदरूनी प्रॉपर्टीज हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। बोथ ऑफ देम एक्सर्ट फोर्स, दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एक मास दूसरे मास पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और एक चार्ज भी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? बोथ ऑफ देम आर स्केलर क्वांटिटीज। तो चार्जेस और मासेस में क्या सिमिलैरिटीज हो गई? बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बोथ विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर एंड बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ये हो गई सिमिलर प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स। आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। मासेस आर ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। दो प्लस चार्जेस होंगे, रिपेल करेंगे, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से हमेशा अगर कोई बॉडी m1 है और m2 है तो इनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही हो सकता है। It can only be attractive in nature. ठीक है, ओके, क्लियर है? Masses will always attract. Charges can either attract or repel, both. ठीक है, ओके। Charges do not vary with velocity. आपका चार्ज के साथ वेलोसिटी का कोई कोरिलेशन नहीं है। आपके बॉडी, आपके किसी चार्ज को मूव कराने से उस चार्ज की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जैसे मैंने अगर स्विच दिया और इस एसी तक अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कम नहीं हो जाएगा, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, ओके। सो चार्जेस डू नॉट वेरी विथ वेलोसिटी, इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो इसको अपन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं भाई साहब? दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी स्टेट? दैट विथ when a charge is actually moved with some amount of velocity, its value is not going to change. ठीक है, ओके। मास कैन वेरी, और इसका क्या रिलेशनशिप है भाई साहब? देखो, मास का, मास ये आपका भाई साहब मूविंग मास है, दिस विल बी इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c²। तो ये मास क्या है भाई साहब? आपका मूविंग मास ऑफ द बॉडी। ये हो गया आपका भाई साहब मूविंग मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये v क्या हो गया भाई साहब? आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये भाई साहब c क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आ रहा है? तो देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हर मूविंग, कोई भी बॉडी जो मूविंग स्टेटस में है उसके मास में थोड़ा सा डिप होगा, there will be certain amount of reduction in the mass, but this is negligibly small for masses which are huge. For masses which are very less, like this electron or proton, उसमें difference आएगा। ठीक है, okay, charge is always conserved. Conserved मतलब भाई साहब total amount of charges is always going to remain the same. Mass can be converted into energy. हमको मालूम है भाई साहब, E is equal to mc square, the famous Einstein equation. मतलब ये energy जो है वो कहाँ से आ रही है? मास के डिसइंटीग्रेशन से। रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन है भाई साहब। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में एनर्जी कहां से आती है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अपने आप डिसइंटीग्रेट कर रहा है, उसके टुकड़े हो रहे हैं, जैसे टुकड़े हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। वो जो मास है जिसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो एनर्जी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। सो चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, मास कैन एग्जिस्ट विद जीरो नेट चार्ज। तो बहुत सारी बॉडीज है, जैसे ये बॉडी भाई साहब आपकी न्यूट्रल बॉडी है, क्या इसका मास है? बिल्कुल है। क्या इसमें चार्जेस, नेट चार्ज इसका जीरो है? भले इसमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन नेट चार्ज इसका जीरो है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है क्या हो? पानी गिरा क्या? ओके 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 ओके। कुछ पहले हल्के फुल्के सवाल देखते हैं। हाँ, हल्के फुल्के सवाल। ओके, चलिए भाई साहब, यहां पे एक सवाल दिया हुआ है, विच इज बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई साहब? एक कूलम या एक इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज। ठीक है, ओके। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कैसे भाई साहब? 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ ये तो भाई साहब 1 कूलम है, ये इतना है, मतलब क्या हो जाएगा ये 1.6/10⁹ तो ऑब्वियसली भाई साहब अगर ये देखोगे दिस विल बी लेसर देन 1 है कि नहीं, दिस विल बी लेसर देन 1 सो ऑब्वियसली बात है ये, ठीक है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इन 1 कूलम देखो क्या हो जाएगा N = Q/E दैट इज 1 कूलम अपॉन दिस दैट इज इतने आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6.25 × 10⁻⁸ क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इसको समझो, ठीक है। आपका Q जो होता है वो किसके बराबर होता है Ne के बराबर, दिस इज चार्ज, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो Q/E कर सकते हैं, ठीक है। Q का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जब भी आप ऐसा करें 1/1.6 तो उसकी वैल्यू 6.25 × 10⁻⁸ आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 कूलम चार्ज में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6.25 × 10⁻⁸ सो ऑब्वियसली 1 कूलम का चार्ज आपका ज्यादा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, एनसीईआरटी का सवाल है। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। एक बॉडी है जो इतने सारे चार्जेस दे रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 9, ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा Q हो जाएगा क्या आपका N × E, है कि नहीं। तो N × E मतलब आपका कितना हो गया यहाँ पे देखो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ सो टोटल चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड विल बी हाउ मच 1.6 × 10⁻⁹ सो दिस विल बी 10⁻⁻⁹ दिस इज द टोटल चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड, ठीक है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ दिस मच इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आपका इतना चार्ज पर सेकेंड। सो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं ना हम 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज इज रिसीव्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होगा 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ 1/1.6 की वैल्यू होती है 0.625 तो 0.625 × 10⁻⁹ जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻⁹ ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। दिस इज सेकेंड्स, दिस इज बेसिकली सेकेंड्स। अब भाई साहब आप सेकेंड्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, देखो 1 ईयर में कितने दिन होंगे भाई साहब 365, ठीक है। 1 दिन में कितने आवर्स होंगे 24, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे 60, 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे 60 और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे 60। सो इस सेकेंड्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर्स में तो 198 × 1.18 ईयर्स, ठीक है। सो अगर आपका भाई साहब if a body gives this much of electrons every second, how much time is required to get a total of 1 coulomb? उस बॉडी से 1 कूलम चार्ज के लिए हमको इतना समय लग जाएगा, ठीक है। इफ द बॉडी इज एमिटिंग 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन दिस रेट फ्रॉम दैट बॉडी फॉर रिसीविंग जस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज इट इज गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, ठीक है। सो दस फ्रॉम अ बॉडी एमिटिंग 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इट विल टेक नियरली 200 ईयर्स to get a charge of 1 कूलम from that body. समझ में आ रहा है ये? तो आप सोचिए कितने कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एक बॉडी से निकल रहे हैं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आप देखो 1 बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में आप निकाल रहे हैं। 10⁹ मतलब कितना हो गया भाई साहब, 1 मिलियन होता है 10⁶ मतलब 100 मिलियन है कि नहीं, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर 1 बॉडी से निकले तो उसको 1 कूलम चार्ज निकालने में 200 साल लग रहे हैं। तो आप सोचिए आपका लाइट, आपका भाई साहब फैन, एसी, इंटरैक्टिव पैनल, ये सारे में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। समझ में आ रहा है ये? ऑब्वियसली 1 कूलम से काम नहीं बनेगा इधर, ठीक है। ओके सो दैट इज हाउ इट इज। चलिए, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी है उसमें कितना होगा, ठीक है। अभी समझो, सपोज द मास ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द कप इज लेट्स से 250 ग्राम्स, पाव किलो का भाई साहब, ठीक है, 250 ग्राम्स। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स, अभी देखो हमको मालूम है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होती हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस इज समथिंग दैट वी नो, ओके। नाउ यहां पे इसका मतलब 1 ग्राम में कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻²³ अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 18 ग्राम्स, सॉरी कितना है भाई साहब, 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स में कितना हो जाएगा बोलो, 6.02 इंटू 10⁻²³ इंटू 250 बाई 18 कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका आंसर कितना आ रहा है भाई साहब, दिस इज 8.36 इंटू 10⁻²⁴। सो व्हाट आंसर आर यू गेटिंग हियर, 8.36 इंटू 10⁻²⁴। नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स कितना है भाई साहब, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो H2O है, H2O, H में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, H का एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो एटम में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का भाई साहब आपको मालूम है कितना होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 कि 8, 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, ठीक है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इनटू भाई साहब क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, ठीक है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतने तो पहले तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8.36 इंटू 10⁻²⁵। अभी हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻¹⁹। तो भाई साहब 8.36 इंटू 10⁻²⁵ इंटू हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल कूलम्स, ठीक है, 1.33 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स। क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए कुछ थोड़े से पेचीदा सवाल करते हैं, पेचीदा सवाल। ओके, यहां पे देखो सवाल दिया हुआ है, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड अक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ से आपने मूव इसको रब किया है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, सिल्क क्लॉथ से या ग्लास रॉड से, ग्लास रॉड से निकले हुए हैं, ठीक है। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q बाई E, कितना है भाई साहब आपका 19.2 इंटू 10⁻¹⁹, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। कैंसलम कितना आ जाएगा, ये दिखता है भाई साहब 6, 16 × 1 16, टन, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब इधर और इधर, तो 16 और ये हो गया 192, 16 × 1 16, 32, 16 × 2 भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड पीपलम इज हाउ मच, 12 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड, ठीक है। फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क, कितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, इसने 12 इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं तो उसने 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए रहेंगे, तो नेगेटिव चार्ज कितना एक्वायर करेगा, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। दिस वुड बी द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क, ठीक है, क्लियर है। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, क्या मास ट्रांसफर हुआ है, हुआ है ना भाई साहब। देखो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, हाँ बिल्कुल होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻¹³ kg होता है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो या कैसा भी रहने दो। अभी तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स गए भाई साहब, 12 इलेक्ट्रॉन्स गए, इससे उसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज द अमाउंट ऑफ मास दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो लेट्स क्विकली लुक एट द सॉल्यूशंस वेयर वी वुड हैव द आंसर्स हियर। सो देखो चार्ज आपका 12 इलेक्ट्रॉन्स गए, चार्ज ऑन सिल्क, अगर भाई साहब ग्लास रॉड ने प्लस 19.2 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम एक्वायर किया है, तो सिल्क क्लॉथ ने कितना एक्वायर किया है, -19.2 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9 इंटू 10⁻¹⁹ kg। तो भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन्स का मास, लेकिन ये इतना कम है कि इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, दिस इज टू लेस टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे आपका इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गेट 1.08, 12 इंटू 9 अप्रॉक्सीमेटली 108 हो गया, इंटू 10⁻⁻²⁹ kg। Now this is too small a number to be considered. Hence we basically ignored this. Okay? Note that the mass transfer is negligibly small. This is expected because the mass of the electron is extremely small. Clear है भाई साहब? Clear है? Okay, बहुत बढ़िया भाई साहब. चलो भाई साहब ये थोड़ा सा सवाल है देखो. If an object made of a substance A, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब. ओके ऑब्जेक्ट ले लेते हैं भाई साहब. ये हो गया ऑब्जेक्ट A, ये हो गया भाई साहब ऑब्जेक्ट B और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट C. लेट्स से यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C. ठीक है. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ सब्सटेंस A इज रब्ड विद एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ सब्सटेंस B. इससे भाई साहब रब किया गया है. ठीक है. A को B से रब किया गया है. ठीक है. देन A बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो ऑब्वियसली B क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. किसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? A ने लूज किए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स B ने गेन किए. ठीक है. समझ में आ रहा है? If however an object made of the substance A is rubbed against an object made of a substance C, then A becomes क्या हो जाएगा? A negatively charge हो रहा है और C क्या हो रहा है यहाँ पे? Positively charge हो रहा है. ठीक है. समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. तो A और B में कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? A और B में कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? बोलो. ठीक है. A पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, राइट? A becomes positively charged. So let's circle this. ये A भाई साहब आपका क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है. तो A is losing electrons. Now we come to basically A and C. A and C में कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? A is becoming negatively charged. तो यहाँ पे C भाई साहब आपका, C is basically the one which is losing electrons. ठीक है. अभी आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, if A becomes, what will happen if the object, अभी अगर इन दोनों को रब किया जाए, what will happen if an object made of substance B is rubbed against an object made of substance C, क्या होगा? A और B को आपने रब किया, A ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया. A और C को आपने रब किया, तो C ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया. तो भाई साहब B और C को रब करोगे, कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? C लूज करेगा ना. समझ में आ रहा है? बिगेस्ट लूजर इज हु? C. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है. A और B को आपने रब किया तो आपके A ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब B इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ओके. और यहाँ पे A और C को आपने रब किया तो C ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो ऑब्वियसली B और C को रब करोगे तो C इज द वन विच विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. आर वी क्लियर ऑफ द डायनेमिक्स पीपल? ठीक है. चलिए आंसर को देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे. अरे तुमको क्या हो गया? So when A and B are rubbed, A becomes positively charged and B becomes negatively charged. It means electrons are loosely bound with A in comparison to B. समझ में आ रहा है भाई साहब? A और B को जब आप रब कर रहे हो, A आपका क्या हो रहा है भाई साहब? पॉजिटिवली चार्ज. तो A और B के कंपैरिजन में A is having electrons which are less loosely bound. ठीक है. Okay. When A and C are rubbed together, A becomes negatively charged. It means C has less इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड. ठीक है. तो बी और सी में भाई साहब क्या हो जाएगा? व्हेन बी एंड सी आर रब टुगेदर, सी विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बी विल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स. हेंस सी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड बी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ओहो, तो लंबा सवाल है लगता है. चलिए भाई साहब इसको जरा ट्राई कीजिए. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स. चलिए भाई साहब तीन तीन गोला बनाते हैं अपन. A, B और भाई साहब आपका C. ठीक है. तो आपके आइडेंटिकल हैं भाई साहब ये A, B और C आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स. आइडेंटिकल हैं, इंसुलेटेड हैं स्फेरिकल कंडक्टर्स. ओरिजिनली A एंड B, तो A में कितना चार्ज है? 3 मिलीकूलम. एंड इसमें भी कितना चार्ज है भाई साहब? 3 मिलीकूलम. ठीक है. A एंड B हैव चार्जेस ऑफ 3 मिलीकूलम ईच, whereas C हैज अ चार्ज ऑफ -6 मिलीकूलम. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स A एंड C आर टच्ड. तो A और C को अगर आप टच कराएंगे, ठीक है, तो कितना टोटल चार्ज होगा? टोटल चार्ज तो A और C, A प्लस C का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -3 मिलीकूलम हो जाएगा. ये -3 मिलीकूलम A और C में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. तो अभी A का चार्ज कितना हो गया? बोलो. -3/2 मिलीकूलम. और C का चार्ज कितना हो जाएगा? -3/2 मिलीकूलम. वैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. आर वी गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है ये। देखो ए में कितना चार्ज है 3 मिलीकुलम, सी में कितना चार्ज है -6 मिलीकुलम। अभी इन दोनों गोले को आप मिला रहे हो तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -3 मिलीकुलम। और ये दोनों सेम साइज के हैं और सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो इनमें जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल चार्ज आपका कितने का बना 3 मिलीकुलम। ये दोनों ए और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 3 मिलीकुलम का आधा इधर आएगा, दैट इज 3 मिलीकुलम बाई 2 एंड 3 मिलीकुलम बाई 2 ऑब्वियसली माइनस में, ठीक है, -3 मिलीकुलम बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच रिमूव्ड, ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर टच बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। अभी हम भाई साहब बी और सी को टच कर रहे हैं, तो बी और सी को अगर टच करेंगे तो अभी बी का चार्ज कितना है, बी का चार्ज है भाई साहब +3 मिलीकुलम और सी का चार्ज अभी कितना हो गया है -3 बाई 2 मिलीकुलम। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 बाई 2, सो दैट विल बी 6 माइनस 3, दैट इज 3 बाई 2 प्लस में मिलीकुलम, है ना। ये प्लस में आ गया भाई साहब, ये टोटल चार्ज हो गया। ये वाला जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा भाई साहब, ये ए और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। नहीं सॉरी, आपने किसको किसको टच कराया, अभी बी और सी में, तो बी और सी में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी बी का फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, बी का फाइनल चार्ज हो जाएगा 3 बाई 4, 3 बाई 2 अपॉन 2, दैट इज 3 बाई 4 प्लस मिलीकुलम। और सी का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +3 बाई 4 मिलीकुलम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल पे? ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल, तो अभी बताओ ए का फाइनल चार्ज कितना हो गया +3, नहीं ए का -3 बाई 2, ए का फाइनल चार्ज है कितना -3 बाई 2, बी का फाइनल चार्ज कितना हो गया +3 बाई 4। अगर इन दोनों को तुमने आमने सामने रखा, इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल अट्रैक्ट, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दे विल अट्रैक्ट। ठीक है, करेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी आर हेल्ड नियर अदर, नो लेट्स से ए इज -3 बाई 2 and C is how much +3 बाई 4, ठीक है, -3 बाई 2 and +3 बाई 4, they held near each other they will obviously what, एक का भाई साहब प्लस है एक का माइनस है तो क्या हो जाएगा अट्रैक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एक तो आप अप्लाई कर रहे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज और दूसरा अप्लाई कर रहे हैं आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज आपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया। सी की दो वैल्यू आई नहीं, यहां पे देखो ना, इफ ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर टच बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट, तो बी और सी को आपने टच कर दिया तो बी का कितना था 3 और इसका था 3 बाई 2। हाँ, फिर से करना पड़ेगा यार, इसको गड़बड़ हुआ है। ओके, लेट्स डू दिस वंस अगेन। हम ओके, लेट्स लुक एट दिस पीपल। ठीक है, यहाँ पे इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो अपना देखो यहाँ पे क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी है। ए का चार्ज कितना है 3 मिलीकुलम, ठीक है। बी का चार्ज कितना है बोलो 3 मिलीकुलम और सी का चार्ज कितना है -6 मिलीकुलम। व्हेन ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी आर अलाउड टू टच, तो ए और सी को आपने टच करवाया +3 माइनस 6, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज कितना बन गया -3। ये -3 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके पास कितना आ गया बोलो -3 बाई 2 मिलीकुलम। ठीक है, इसके पास इतना आ गया और इसके पास भी इतना आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर अलाउड टू टच ईच अदर, तो बी का चार्ज कितना है +3 माइक्रोकुलम, सी का चार्ज कितना है -3 बाई 2। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा +3 बाई 2 मिलीकुलम्स। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका आधा इसके पास आया, इसका आधा इसके पास आया, तो 3 बाई 4 मिलीकुलम एंड दिस विल आल्सो बी 3 बाई 4 मिलीकुलम। ठीक है, तो ये आपके फाइनल चार्जेस हो गए। ठीक है, ए का फाइनल चार्ज हो गया ये, सी का फाइनल चार्ज हो गया, सी का बेसिकली फाइनल चार्ज ये हो गया, दिस इज बेसिकली सी का फाइनल चार्ज। ठीक है, ओके। सो ए का फाइनल चार्ज आपका कितना हो गया -3 बाई 2 मिलीकुलम। बी का फाइनल चार्ज क्या हो गया, बी का भाई साहब फाइनल चार्ज हो गया +3 बाई 4 मिलीकुलम और सी का +3 बाई 4 मिलीकुलम। सो इफ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड ईच अदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ भाई साहब, ये हो जाएगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, दे विल अट्रैक्ट इच अदर। इफ ए एंड सी आर नाउ हेल्ड इच अदर, ये आपका माइनस और ये प्लस है, दे विल ऑल्सो अट्रैक्ट इच अदर। तो ये वाले भी भाई साहब आपके क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स लगाए हैं? प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे देखो सवाल है, द फिगर शोज दैट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज बॉट नियर टू चार्ज मेटल स्फीयर्स ए एंड बी क्लैम्प्ड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स। तो ये भाई साहब इंसुलेटेड स्टैंड्स है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। एंड प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इधर ला रहे हो, ठीक है, इज बहुत नियर, टच नहीं करवा रहे हैं इससे, तो क्या होगा? देखो ये ए और बी में क्या होगा, अभी ए और बी एक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, वन बॉडी की तरह। ठीक है, इट्स गोइंग टू बिहेव एज वन बॉडी। सो व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव चार्जेस इवन फ्रॉम बी विल मूव हियर, और ये बी में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? When this positively charged rod is brought near to this, this will behave as one body, wherein यहाँ पे सारे negative charges का accumulation होगा, और ये सिर्फ A के negative charges नहीं होंगे, ये B के भी negative charges होंगे, because of which B will have a deficit of electrons and it will become positively charged. ठीक है? Okay, what would happen if the rod is removed before the spheres are separated? अभी आपने भाई साहब इसको remove कर दिया, जैसे ही आप remove करोगे फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर से दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल हैपन एंड अगेन ए एंड बी आर गोइंग टू बिकम न्यूट्रल। ठीक है, व्हाट वुड द इंड्यूस्ड चार्जेस बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ द स्फीयर्स आर डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कंडक्टर्स। ठीक है, तो क्या इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा? हाँ होगा। ठीक है, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। व्हाट विल हैपन इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट, तो पहले आपने इनको सेपरेट कर लिया, ठीक है, एंड देन अभी आप इसको रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे इसको करेंगे ए आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और बी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो लेट्स लुक एट द आंसर्स हियर। सो व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, अभी पॉजिटिवली चार्ज रॉड को जैसे आप लाते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ए आर अट्रैक्टेड एंड द रॉड एंड द मूव ऑन द लेफ्ट साइड। तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बी से भी इधर आ गए। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ ए। दिस मूवमेंट लीव्स अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन बी। If the rod is removed before the spheres are separated, जैसे इसको आप रॉड को रिमूव करेंगे, the excess electrons on sphere A would flow back to B, both spheres will become again uncharged. फिर से भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे ये फिर से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, net charge is conserved. Before the rod is brought near A, both A and B were neutral. They will remain so even if there are of different sizes of materials. अगर आपने दो अलग अलग साइज का ए और बी ले लिया और अलग अलग मटेरियल्स के ले लिए, तो चार्ज ये रॉड आने के पहले टोटल चार्ज क्या था दोनों का, जीरो। इस रॉड के रिमूव होने के बाद टोटल चार्ज क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, नेट चार्ज इज गोइंग टू रिमेन एज जीरो। नाउ इफ द रॉड इज रिमूव, अगर आपने भाई साहब रॉड को रिमूव किया आफ्टर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, ठीक है, तो मतलब अभी आप रॉड को, तो पहले आपने स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया, अब आप रॉड को रिमूव कर रहे हो, तो भाई साहब सारा नेगेटिव चार्ज इसमें रह जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जाएगा। तो A will emerge out as negatively charged and B will emerge out as positively charged. ठीक है? Are we clear on these ones, people? ठीक है? Okay, यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक सवाल। Calculate the total positive और negative charge on a 3.11 gram of copper pen. ठीक है? अभी भाई साहब 3.11 ग्राम, तो देखो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 63.5। ठीक है, तो आप अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स हाउ मेनी, कितने आपके एटम्स होंगे इसमें, 6.023 इंटू 10⁻²³ इतने एटम्स होंगे, और अगर इतने एटम्स होंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स इतने हो गए भाई साहब। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3.11, तो 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻²³। ठीक है, इंटू 3.11 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 63.5, इतने एटम्स कंटेन करेगा ये। ठीक है, ओके। अभी देखो एक एटम में, ठीक है, टोटल चार्ज सिंस कॉपर एटम्स, अभी कॉपर का भाई साहब जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 29। तो एक एटम में कॉपर के, ठीक है, एक एटम में कॉपर के टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो कितने टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे? 29। एटॉमिक नंबर 29 है। 29 प्रोटॉन्स एंड 29 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ठीक है, तो आपके इतने एटम्स हो गए, इतने एटम्स में कितने होंगे? सो दिस विल बी 6.023 इंटू 10⁻²³ इंटू 3.11 इंटू 29 अपॉन भाई साहब 63.5। इतना टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो इतना टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। देखो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन एयर। तो भाई साहब दोनों भी एक डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज लेट्स से अ प्रोटॉन, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ठीक है, इन एयर आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द टू पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव व्हेन दे कोलाइड। जब ये कोलिजन हो रहा है इनका, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली कोलिजन होगा, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, दे आर एट द मिड पॉइंट ऑफ देयर इनिशियल सेपरेशन। तो क्या ये मिड पॉइंट पे होंगे? एकदम बराबर d/2 पे कोलिजन होगा। ठीक है, दे आर द मिड पॉइंट ऑफ द इनिशियल सेपरेशन, क्लोजर टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन, या जहां पे कोलिजन होगा वो पॉइंट प्रोटॉन के क्लोज होगा या इलेक्ट्रॉन के क्लोज होगा? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, आपने छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। जब ये जा रहे हैं तो इनका कोलिजन होगा। ये कोलिजन एकदम मिड पॉइंट पे होगा, या प्रोटॉन की तरफ होगा या इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। ठीक है, सो ओके, यहां पे देखो इस चीज को समझो। ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखो यहां पे आपका मास है, ठीक है, दोनों का चार्जेस सेम है। इसका चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम, और इसका चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, हमको मालूम है कि एक प्रोटॉन का मास ऑफ अ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में फोर्स सेम लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो लेट्स से ये फोर्स आपका क्या है? एफ। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू F, है ना। एंड सिमिलरली F इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये दोनों बराबर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अपन लिख सकते हैं? 2000 into mass of electron into acceleration of proton is equal to mass of electron acceleration of electron। तो ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? acceleration of electron is 2000 times more than the acceleration of proton। so electron ज़्यादा तेज भागेगा, मतलब यहाँ पे collision इसकी तरफ होगा, proton की तरफ होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one? ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टेट बोर्ड वाले बैठ रहिए।